नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में वन उपज की अवैध लीसा निकासी के विरुद्ध कार्रवाई। लालकुआ प्रभागीय वन अधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग संदीप कुमार के निर्देशन में डौली रेंज लालकुआ ने अवैध रूप से लीसा तस्करी कर रहा एक वाहन ट्रक को किया सीज। लालकुआ बरेली नेशनल हाईवे पर बहुमूल्य वन संपदा लीसा का अवैध परिवहन करने पर एक ट्रक पंजीकरण नंबर UK06CB7514 को शांतिपुरी वन बैरियर से 2 किलोमीटर आगे गोकुल नगर पर पकड़ लिया तथा लालकुआ रेंज परिसर में लाकर सीज कर दिया गया है। प्राथमिक जाँच में यह सामने आया है ये ट्रक जो बिना वैध अनुज्ञा के जिसमें वन उपज लीसा के 380 टन लगभग 65 क्विंटल लीसा भरा पाया गया। वाहन चालक मौके से फरार हो गए। उक्त वाहन में अवैध रूप से ले जा रहे वन उपज लीसा जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 15 लाख रुपए का आकलन किया गया है के प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है। प्राथमिक रूप से वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। कुमाऊं संभाग ब्यूरो गंगा आर्य की रिपोर्ट। आज दिनांक 24/10/2022 को दिन में लगभग 11 बजे श्रीमान प्रभागी वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग के निर्देशानुसार मुखबिर खास की सूचना पर डौली रेंज के अंतर्गत शांतिपुरी वन बैरियर पर वाहनों की चेकिंग करने पर एक वाहन को हल्द्वानी से बरेली मार्ग की ओर आते हुए देखा। उसे जांच हेतु रोकने पर उसके द्वारा अपने वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से बरेली की ओर भगा दिया गया। हमारे द्वारा वाहन का पीछा किया गया। कुछ ही दूरी पर हमने उक्त वाहन को रोका तो ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर भाग गया। वाहन की जांच करने पर उसमें अवैध रूप से 380 टन लीसा पाया गया। वाहन को हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर डौली वन परिसर में वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हेतु खड़ा किया गया है।